बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे आप नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखें जी, आज आ गई कपड़ों की बारी। मैंने सोचा क्यों ना, आज इतना अच्छा मौसम भी है और सुबह सुबह मैं आ गई हूँ छत पे। मैंने सोचा कि चले साथ साथ कपड़े वाश करते हैं और साथ साथ वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। इतना अच्छा मौसम है, कोई पता नहीं एकदम से बारिश ना आ जाए, तो अल्लाह ना करे, क्योंकि मेरे कपड़े बहुत ज्यादा है। मैं जल्दी जल्दी कपड़े वाश कर लूँ, फिर बाद में बारिश आ जाए तो कोई मसला नहीं। तो ये देखे, बारिश का मौसम बना हुआ है, ऐसे बादल से आए हुए हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। तो आइए, इसी के साथ ही मैंने शुरू किए हुए थे कपड़े। ये देखे, कुछ मैंने निकाल के रखे हुए हैं, कुछ ये थोड़े से पड़े हुए हैं। अभी इनको निकालते हैं और आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। ये मैंने कलरफुल कपड़े डाले हुए हैं, व्हाइट मैंने निकाल के रखे हुए हैं। उसके बाद आज मैंने ना, आए मैं आपको दिखाती हूँ, आज मैंने अपना जो है ना ऊपर वाला कमरा, इसकी माशाल्लाह इतनी सेटिंग की है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, साथ से ज्यादा इस पे इतना रश पड़ा हुआ था। ये मैंने सारे कपड़े तय लगा के रखे हैं, इनको भी अभी करना है प्रेस। और साथ में ये कुछ मैंने कपड़े जो मैंने निकाल के रखे हैं, इनको मैंने लगाई है छांटी, क्योंकि बहुत ज्यादा कपड़े थे, बच्चों के भी, मेरे भी और बड़े बेटे के भी, वो मैंने देने के लिए रखे हैं। ये साथ में कुछ कपड़े शापरों में डाले हैं, कुछ इस तरह निकाल के रखे हैं। मैंने सोचा कि चले जो ना कोई बंदा ऐसा आएगा उसको दे दूंगी। ये सारे मैंने निकाल के रखे हैं, अभी कुछ शापरों में डालने हैं, कुछ इनमें से निकालने हैं। तो आइए, इसी के साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ऊपर आके कितने मैंने काम किए हैं। ये देखें, सारी अलमारी मैंने सेट की है बड़े अच्छे से। जो कपड़े मैंने प्रेस करके रखे हुए थे वो मैंने रखे हैं, और साथ में ये जो कपड़े पहनने वाले हैं, सॉरी वो जो सारे कपड़े हैं वो देने वाले हैं, और जो अभी प्रेस करने वाले हैं वो मैं इधर रख चुकी हूँ। वो सारे मैंने जो ना निकाल के रखे हैं किसी को देने के लिए। तो ये मैंने दुपट्टे वगैरह सारे सेट करके रखे हैं। ये देखे, इस तरह मैंने सारे हैंग लगा दिए हैं और बड़ी प्यारी सी सेटिंग हो गई है। आज सारा मैंने कमरा जो है ना अच्छी तरह सेट किया है। ये देखिए। अच्छा जी, ये तो हमारा हो गया औरतों का। इसके बाद मैंने कुछ इस तरह, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब को दबा दें, साथ में घंटी वाले बटन को दबा के ऑल पे कर दें और लाइक कर दें। कुछ चीजें जो होती हैं, जो कि जरूरतमंद होती हैं, वो मैंने इधर रखी हुई हैं। ये शापर है एक छोटा सा, ये भी आपके साथ अभी शेयर करना है। मैंने सरप्राइज है छोटा सा मेरे पास, इसको भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। अभी ये रह गया, ये सारा कलारा जी, इसका जो काम है ना, ये सारा पड़ा हुआ है। ऊपर इतनी गर्मी होती है कि मेरा ना दिल नहीं करता। ये सारे रेशमी कपड़े हैं, इनको मैंने अभी अच्छी तरह जो है ना सेट करके इनको शापरों के अंदर डाल के रखना है, क्योंकि गर्मी की वजह से दिल नहीं कर रहा ऊपर आने को, तो इसलिए जो है ना इनको भी मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा जी, आज इधर की भी थोड़ी सी मैंने सेटिंग की है। बेटी ने ये बैग खाली किया है, इसको मैंने अभी वॉश करना है। ये कुछ बुक्स वगैरह हैं वो निकाली हैं। ये देखिए, बस बच्चे अब फारग हो रहे हैं ना, तो पिछली जो बुक्स पड़ी हुई हैं वो सारी निकाल के कह रहे थे मामा इनको ना कहीं रख दे, तो ये भी इंशाल्लाह ये भी काम खत्म करूंगी। और ये ऊपर से ग्लास लाई थी, वो डिब्बे खाली हुए हैं। ये मैं इसलिए इनको रखती हूँ क्योंकि बेटी जो है ना हैंडमेड चीजें बनाती है, उसको इनकी जरूरत होती है। वो फिर मुझे ना फेंकने नहीं देती, कहती मामा इनको ना फेंकना। मैंने इनके अंदर ना कुछ चीजें बनानी होती है, ये छोटी मोटी जितनी चीजें हैं ये सारी उसकी पड़ी हुई है। तो आगे इसी के साथ ही कपड़े शुरू करते हैं। मैंने सारे निकाल के रख लिया, वॉश करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। इतनी गर्मी थी आज, मैंने कपड़ों का जो अपना है ना सेटअप वो भी बड़ा ऐसे किया हुआ है। जो मेरे ट्राउजर है वो कोई और है, शर्ट जो है कोई और है, बस इसी तरह आज मैंने ना अपना सेटअप बनाया हुआ है। मैंने सोचा कि चले जल्दी जल्दी कपड़े वॉश करती हूँ, इसके बाद शावर लेती हूँ। शावर लेने के बाद अब देखते हैं। आज तो मैंने यकीन करे, मैं रात को गई हुई थी कहीं वो वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, और आते ही हम इतना थक गए थे कि इतनी नींद आई है कि सुबह पता ही नहीं चला 7 बज गए थे। छोटों को जगाया, उसको स्कूल भेजा है, तो उसके बाद जो है ना मैं आ गई हूँ छत पे। अभी बच्चों ने नीचे नाश्ता बनाया है, और साथ में क्या कहते हैं ना, आज मैंने सबक नमाज भी कोई नहीं किया, तो इंशाल्लाह जो है ना जोर की नमाज भी पढ़ेंगे, उनके साथ ही जो है ना आज सपारा भी पढ़ लूँगी इंशाल्लाह, कोशिश करूँगी, क्योंकि आज काम थोड़ा सा काम है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चले आज जो है ना ये कर लेती हूँ। कपड़े जो है काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन कोई बात नहीं, निकाल निकाल के रखी जा रही हूँ, इसके बाद जो है ना कपड़े वाश कर दूँगी। जब कपड़े होते हैं तो साथ में चादरें भी जो है ना वो भी आ जाती हैं काफ़ी ज़्यादा,
बच्चों ने मुझे नीचे तक उतार के दे दिया, मामा ये भी वाश कर लो। मैं कहा चले जी ला दे मुझे। तो यही काम होते हैं, यही जो इस तरह के बस घर के काम ही करने होते हैं, और बंदा क्या करे। ये काम करने हैं, खाना बनाना है, कोई भी इस तरह बस ऐसे सारा दिन चला जाता है। तो आज इंशाल्लाह मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी, बहुत अच्छी सी और मददगार सी। आपने जरूर देखना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। आइए इसी के साथ ही नीचे चलते हैं, तब तक ये जो हो मैंने डाले हैं कपड़े ये भी हो जाएंगे, उतनी देर तक जो है ना नाश्ता खा रहा है। ये देखें जी कपड़े मैंने शुरू कर लिए हैं स्पिन करने के लिए, और ऊपर से देख लें ये धूप कितनी आ गई है। तो मैं तो कह रही थी कि आज बड़ा अच्छा मौसम है, और जो है ना मौसम की वजह से मैं जल्दी जल्दी ऊपर आई थी, और यकीन करें सुबह की लगी हुई हूँ। अभी एक बज गया है, अभी तक जो कपड़े है ना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, सारे मैंने निकाल के रखे हैं। ऊपर से मैंने कमरे की जो है अलमारियों की सेटिंग वगैरह काट दी है, तो साथ में मैंने आपको बोला था कि मैंने ना थोड़े से कपड़े निकाले हैं, शांटी किए हैं। आज कुछ रफ कपड़े थे जो बच्चों के निकाले हैं, क्योंकि किसी को देने के लिए। तो ये ना सोचिएगा कि मैं आपको दिखाने के लिए कह रही हूँ, कि मैं जब भी कोई मौसम चेंज होता है ना तो कभी कभार मैं ऐसे ही करती हूँ, बस थोड़ा सा टाइम लगा के थोड़ी सी छांटी लगाती हूँ, क्योंकि जो बच्चे नहीं पहनते या जो कोई रफ हो जाते हैं या थोड़े से नीट होते हैं, इस तरह मैं निकाल के ना दे देती हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चले आज थोड़े से ना कपड़े भी निकालते हैं, और साथ में कपड़े मैं वाश कर लूँ फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए सारे अभी मैंने वाश करने हैं, इनको मैंने अभी निकाल निकाल के रखा है, इसके बाद जो है ना फिर इनको स्पिन करेंगे और साथ में डाल देंगे धूप में। तो धूप काफी ज्यादा निकल आई आज, भाई बहने का भी टाइम कोई नहीं था, उधर धूप बहुत थी, मैं इधर ही बैठ के कपड़े वाश कर रही हूँ। तो पहला दिन ये देखे जी कपड़े मैं वाश कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितने आज कपड़े हैं। इसी तरह आपके भी इतने ही होते होंगे, या मैं ज्यादा करके दो वाश करती हूँ, क्योंकि मैं तकरीबन 3 से 4 दिन बाद मशीन लगाती हूँ। जाना होता है कहीं और भी, वीडियो बनाने के लिए भी जाना होता है, और घर में और भी काम होते हैं, बस ये रूटीन है सारा दिन इसी तरह, बस काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ये देखिए अभी मशीन का आपको आवाज आ रहा होगा, अभी मशीन भी जो है ना ऑन है, इसको मैं बंद करती हूँ। तो ये कपड़े निकाल निकाल के अभी एक दफ़ा इसको निकाल निकाल के रख रही हूँ, इसके बाद दोबारा इनको फिर 2 से 3 दफ़ा निकालूंगी पानी से। ये देखिए देखिए जी कितना इसका ना वो सारे मैंने एक दफ़ा पानी से निकाल के रख लिए हैं, इसके बाद जो है ना एक दफ़ा और इनको निकालूंगी। अच्छा मुझे ना कुछ लोग कहते हैं कि इतने काम आप करती हो, मैं तो कहती हूँ सारे बंदे ही ऐसे काम करते होंगे, सारी औरतें, पता नहीं कौन है जो कहता है कि हमारे तो काम ही नहीं होते। मैं तो कहती हूँ बंदा काम करे तो काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। झटपट का क्या होता है, मतलब ये जादू हो गया एकदम से, मैंने कपड़े सारे वाश कर लिए हैं। तो पहना जी ऊपर से मैंने लगाया हुआ है बालों को तेल, इतना ज्यादा कि मैं आपको क्या बताऊंगी। देखिए मेरे बालों का हाल, मैंने शावर लेना था, मैंने सोचा कि चले साथ साथ ये भी दोनों काम हो गए, क्योंकि वैसे भी गर्मी है, गर्मी की वजह से दिल ही नहीं करता कि बंदा सर को भी कुछ करे, इतने बाल उतर रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मैंने अपने ना एक आपको मैंने आज एक बात बताऊं, मैंने मियां साहब को बोला है कि मेरे ना इतने बाल उतर रहे हैं, इतने बाल उतर, कह रहे हैं आपके औरतों के बाल नहीं उतरते, हम मर्द जो होते हैं ना हम गंदे हो जाते हैं। आप कहती रहती हो कि हमारे बाल उतर गए हैं, 20 साल हो गए हैं अभी तक आपके बाल नहीं उतरे, मेरे तो उतर गए आपके नहीं उतरे। मुझे इतनी हंसी आई है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने अभी उनको दिखाए हैं, मैं ये देखे मेरे बाल इतने उतरे हैं, कहते हैं आप औरतों के बाल जो है ना नहीं उतरते,
बस आप कहती रहती हो कि हमारे बाल उतर गए, बाल उतर गए। अच्छा जी, मैं इनको ना एक दफा वॉश करके निकाल के रखती हूँ, फिर इनको दोबारा इसी के अंदर दोबारा तीन तीन दफा इनको ना मैं पानी से निकालती हूँ, तो फिर जाके मुझे ना यकीन होता है कि सरफ निकल गई है। ये देखिए, ये बस थोड़े से रह गए हैं। तो प्यारना जी, ये देखिए, हम तीन तीन बंदे जो है ना आज कपड़ों में मसरूफ हैं। एक बेटी जो है वो साथ में कपड़े स्पिन करके डाल रही है धूप में, मैं लगी हुई वॉश करने के लिए, और एक जो है वो वीडियो बनाने में। तो ये कोई आसान काम नहीं होता, बड़ी मुश्किल होती है। सब कहते होंगे कि इसी तरह शायद सारा दिन वीडियो ही बनाते रहते हैं। वीडियो बनाना कोई इतना आसान नहीं है, काम भी करते हैं तो साथ में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काम भी करना होता है और साथ में वीडियो भी बनानी होती है। तो प्यारना जी, इसी तरह लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, देखा करें, पूरी वीडियो देखा करें। बहुत मुश्किल काम है, ये कोई आसान नहीं है। सबको लगता है कि ये बड़ा आसान है, जो भी काम करते हैं बस दिखा देते हैं। दिखाने के लिए कुछ ना कुछ उसके अंदर भी काम होना चाहिए, कुछ ना कुछ काम करना भी पड़ता है। मुझे ये नहीं कि खाली बंदा किसी तरह बस जी जो के बस कपड़े वाश किए तो मैंने दिखा दिए, दिखाने का मतलब ये नहीं होता, इसमें मेहनत भी करनी पड़ती है बहुत। अगर हम आपके साथ सारे दिन की रूटीन शेयर करें ना, तो यकीन करें घंटों लग जाए वीडियो बनाने में, इतनी लंबी वीडियो बन जाए कि आप देखें ही ना। और मेरे कपड़े धोने का तो जो तरीका भी है वो भी अलग है, क्योंकि मैं इतने मेहनत से कपड़े धोती हूँ ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए, अच्छा जी, ये तो मेरा काम खत्म हो गया, और इसके बाद मैं करने लगी हूँ स्पिन। स्पिन करती हूँ, फिर साथ में ब्लैक ब्लैक दुपट्टा भी ब्लैक, शलवार भी और ट्राउजर भी ब्लैक, और ऊपर से कमीज किसी और की। ये देखिए, ऐसे बस आदमी मैं भी, वो कहते हैं ना दाल और खिचड़ी, आज दाल खिचड़ी बन गई। आप कहते हो गया आज इसको क्या हो गया, बड़ी बातें कर रही है। मुझे लगता है लाइट चली गई है, देखते हैं चेक करते हैं। कहना नहीं, कभी धूप आ जाती है और कभी ये देखे मौसम खराब हो जाता है। मुझे तो खतरा है कहीं कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ, जब भी मैं कपड़े वॉश करती हूँ तो कुछ इस तरह होता है कि एकदम से बारिश हो जाती है या फिर मौसम खराब हो जाता है। तो अभी बेटी जा रही है, तो अल्लाह ना करे कि बारिश आए, क्योंकि मेरी बड़ी मेहनत है। मैंने तकरीबन सुबह 9 बजे की लगी हुई हूँ, 1 हो गया है, तो अभी तक काम जो है ना ख़त्म नहीं हुआ। तो प्यारना जी, आइए इसी के साथ ही जो कपड़े रह गए हैं वो मैं डालती हूँ, और स्पिन करने के लिए मैंने डाल दिए थे। तो आपसे लेते हैं इजाज़त, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप देखेंगे नहीं। तो अभी मैं चलती हूँ कपड़े डालने के लिए। सपना आ जाओ आप इधर, मैं डाल दी सारी जो मर्दों की बनैने वगैरह सारी मेरी साइड पर डाल दी हैं, बेटी ने डाली है, क्योंकि मैं अंदर कपड़े वॉश कर रही थी तो वो डाल रही थी, और ऊपर से जो है कपड़े इस साइड पे डाल दिए। तो साथ में मैंने स्पिनर में डाले हुए हैं, वो बेटा उसमें टोकरी के अंदर रखो और ट्रैप बंद कर दो। क्या है गर्मी लग रही है, बच्चे घबरा जाते हैं, इतनी गर्मी है ना, ऊपर आना मुश्किल है, बहुत काम जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा जी, ये देखे सारे जो कपड़े वगैरह मैंने वॉश करके और पिन करके इधर डाल दिए हैं, बनाने वगैरह इधर डाल दिए हैं, साथ में ये 2-3 रह गए हैं, और अभी मैं एक डाल के आई हूँ, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए जी, बेटे के भी होते हैं रोज़ के रोज़, उसने जाना होता है शॉप पे, क्योंकि उसके ज़रूरी होते हैं, सुबह 9 बजे उसने जाना होता है शॉप पे, रोज़ की रोज़ उसने भी चेंज करने होते हैं, और मियाँ साहब भी चेंज करते हैं। सबसे ज़्यादा आजकल मर्दों के कपड़े होते हैं, और मैं एक आपको एक और बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा जो है ना कपड़े मेरे होते हैं क्योंकि इसलिए कि जब भी मैंने वीडियो बनाने जाना होता है, फिर भी कपड़े चेंज करने होते हैं और कोई भी काम करना होता है, तो ये मैंने एक यूनिफॉर्म रखा हुआ है, ये डाल लेती हूँ। अब कह रहे हो गया
आग पड़े बातें कर रही, बहुत बातें याद कर रही सुबह ये बेटे को नहीं थी मिल रही उसकी वाइट प्लान, उसकी वजह से मुझे एकदम गुस्सा आया। मैंने सोचा कि आज जल्दी जल्दी जो है ना कपड़े वाश कर लूँ, तो सुबह की आई हुई हूँ, बीच में जाके मैंने नाश्ता किया है, फिर मैंने 2 मिनट मियाँ के साथ फ़ोन सुना है किसी का, और उसके बाद फिर आ गई हूँ। अब माशाल्लाह जी काम ख़त्म हो गया, आइए अब आपको मैं दिखाती हूँ कि इसके बाद मैं क्या करने लगी। तो प्यारा दिन ये देखिए काम जो है मेरा ख़त्म हो गया माशाल्लाह, और ऊपर से मैंने मशीन भी वॉश कर ली है और कपड़े भी सारे स्पिनर के अंदर डाल दिए हैं, और आपसे लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं फिर इसी तरह नई वीडियो के साथ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और मैंने मियाँ साहब को बोला है कि मुझे नई मशीन ला दें, पता नहीं आप कब ला के देंगे, इसको काफ़ी देर हो गई है, ये बेचारी ना मेरी तरह बूढ़ी हो गई ये देखें जी इस तरह मैंने मशीन वॉश करके अच्छी तरह सारा सेटअप कर दिया है, और एंड वाला जो परागा था वो मैंने डाल दिया है, इसको भी स्पिन करते हैं, और जो निकाले हैं वो मैं स्पिन रूम में खिला देती हूँ, काम खत्म हो जाएगा।